Welcome to AS Classes. Dear students, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे. आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 चैप्टर 1 अबाउट कंप्यूटर. सो लेट्स स्टार्ट. यह आपकी बुक का पहला पेज है, चैप्टर 1 अबाउट कंप्यूटर. चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन different kinds of electronic devices at your home, like washing machine, microwave, television, refrigerator, etc. बच्चों, आप लोगों ने अपने घर पे बहुत सारे electronic devices देखे होंगे, machines देखे होंगे, जैसे आप घरों पे काम करते होंगे. सबका अपना अपना use है, जैसे कि washing machine कपड़े धोने के लिए होता है, television आप एंटरटेनमेंट लेते हैं, टेलीविज़न पे मूवीज़ देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, गाने देखते हैं. रेफ्रिजरेटर का यूज़ क्या होता है, उसमें हम लोग खाना ठंडा रख सकते हैं, आइसक्रीम जमा सकते हैं. तो इसी तरह के डिवाइसेज हैं हमारे घर में. इसी तरह से सिमिलरली कंप्यूटर इज़ ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर भी इसी तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. हो सकता है आपके घरों पे हो सकता है ना भी हो, लेकिन कोई एक ऐसी जगह जरूर है जहाँ पे आपने कंप्यूटर को जरूर देखा होगा. जी हाँ, आपने कंप्यूटर को अपने स्कूल लैब में जरूर देखा होगा. तो आइए कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं. कंप्यूटर इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. इट ऑल्सो नीड्स इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी टू वर्क. जैसे आपके घर पे रखे हुए बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बिजली की ज़रूरत पड़ती है चलने के लिए, ठीक वैसे ही कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसे भी चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी की ज़रूरत पड़ती है. यह बिजली या फिर बैटरी से चलता है. जो बैटरी होती है वो बहुत ही छोटी होती है और उस बैटरी को हम UPS कहते हैं. आइए इस पेज में कंप्यूटर के बारे में और जानकारी लेते हैं. To begin to operate the computer, first switch on the electricity supply, then UPS, and then press the power button of the monitor and power button of CPU. आपने जान लिया कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसके बहुत सारे यूज़ हैं हमारी लाइफ में. हम उससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर को ऑन करना है. और कंप्यूटर ऑन हम कैसे करेंगे, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं, तो उसके स्टेप्स यहाँ पे हम आज सीखेंगे. बच्चों, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए पहले जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वहाँ से स्विच ऑन करेंगे, तब आपके कंप्यूटर में बिजली आ जाएगी. और पावर ऑन करने के बाद हम UPS ऑन करेंगे. UPS में एक छोटा सा बटन होता है, उस बटन को प्रेस करते ही UPS में लाइट आ जाएगी. उसके बाद हम मॉनिटर के पावर बटन को भी ऑन करेंगे और सबसे बाद में CPU के बटन को ऑन करेंगे. CPU के बटन को ऑन करते ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी और कंप्यूटर हमारा स्टार्ट हो जाएगा. तो आइए एक बार फिर कंप्यूटर स्टार्ट करने के स्टेप्स को हम पढ़ते हैं. नंबर 1, स्विच ऑन द मेन पावर. नंबर 2, स्विच ऑन द UPS. नंबर 3, स्विच ऑन द मॉनिटर. एंड नंबर 4, स्विच ऑन द पावर बटन ऑफ CPU. अब आइए जानते हैं UPS क्या होता है. UPS एक छोटी सी बैटरी है या पावर सप्लाई है जो CPU के तुरंत पहले ऑन की जाती है और ये कंप्यूटर को लाइट जाने के थोड़ी देर बाद भी काम करने का कुछ टाइम देता है, ताकि हम जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसे सेव करके तब कंप्यूटर शट डाउन करें. UPS का फुल फॉर्म होता है Uninterrupted Power Supply. It helps to supply smooth and non-interrupted power or electricity to the computer. यह बिजली जाने के बाद भी बिना रुकावट के कंप्यूटर को काम करने में मदद करता है. After you have switched it on, you have to instruct it what to do. जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर को कुछ ना कुछ आदेश देंगे, कोई इंस्ट्रक्शन देंगे ताकि वह काम कर सके. You can send the message or instruct with the help of a keyboard or a mouse. तो वैसे ही आपको क्या करना होगा, या तो कीबोर्ड से कोई इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई की प्रेस करेंगे,
या फिर माउस से जब क्लिक करेंगे तो वह कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शन या आदेश होगा जिससे कि वह हमारे लिए काम कर सकेगा। यू कैन सी द रिजल्ट ऑफ माई वर्क डन ऑन अ मॉनिटर और अ प्रिंटर। और जैसे ही वो काम हो जाएगा वो मॉनिटर या प्रिंटर मॉनिटर पे दिखेगा और तब आप उसे प्रिंटर पे प्रिंट कर सकेंगे। तो आज के क्लास में आपने कंप्यूटर को कैसे ऑन करना है ये सीख लिया होगा। इसे आप फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।